नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लेनेट ऑसम में। और आज का हमारा टूरिस्ट प्लेस है दक्षिण की कुंजी, दक्षिण का द्वार, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला खंडवा से 50 किलोमीटर की दूरी पर, बुरहानपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर, इंदौर से 162 किलोमीटर की दूरी पर। और फिलहाल मेरे साथ में दोस्त वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मिलवाता हूँ मैं दोस्त से। संतोष जी, तो कितना महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे आके? बड़ा ही मज़ा आ रहा है आज की ट्रिप करने में जी। तो फिर मेरे दोस्त ने फिलहाल सुबह से कुछ खाया नहीं है, अभी इनको मैं नाश्ता करवाते हैं वहाँ जाके हम। और आपको बता दूँ कि असीरगढ़ का जो किला है, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी इस किले के साथ में। कहानियाँ अश्वत्थामा की, कहानियाँ फारूकी की, कहानी अकबर की, कहानी मराठाओं की। तो वो सारी कहानियाँ आपको वहीं जाके बताऊँगा मैं। तब तक के लिए देखते रहिए प्लेनेट ऑसम। तो हम आ गए हैं हमारी जगह पे असीरगढ़ के किले में। थोड़ा कोहरा ज़्यादा होने के कारण आपको हम अच्छे से शायद स्पष्ट रूप से देख नहीं पाए होंगे आप भी, और कुछ वीडियोस में आगे ही बताऊंगा आपको। लेकिन अब बात आती है यहाँ की कहानियों की, जो कहानियाँ इस किले से जुड़ी हुई है, जिन कहानियों की बुनियाद पर किला टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं अश्वत्थामा वाली कहानी। अश्वत्थामा की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब पांडवों, कौरव पांडवों का जो हमारा सबसे प्रसिद्ध महाभारत का जो युद्ध है, वो युद्ध जब हुआ था, जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो अष्ट चिरंजीवों में शुमार है, आठ चिरंजीव जिनमें हनुमान, शिव, जो हमारे देव हैं, श्री भगवान, तो टोटल कुल मिला के हिंदू सभ्यता में आठ चिरंजीवी विभूतियां मानी जाती है जो अजर अमर है, उनमें से एक अश्वत्थामा। तो जब महाभारत का युद्ध घटित हुआ था, उस युद्ध में जब पांडवों की हार नजदीक आ रही थी, जब लगने लगा था भगवान श्री कृष्ण को कि शायद पांडव हार जाएं, पूरी तरह से निराश लग रहे थे वो, तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति का उपयोग करने की सलाह दी। युधिष्ठिर जो अपने कूटनीतिक चालों के लिए
पारंगत थे। उन्होंने एक ऐसा कूटनीतिक जाल बुना जिसमें द्रोणाचार्य फंस गए और द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों का समूल नाश कर दिया और राजा परीक्षित जो उस समय गर्भ में थे उनका वध करने का भी प्रयास किया, जिसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि विभूषित थी उसे निकाल दिया तथा उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया। तो ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है इस पृथ्वी पर और वो प्रतिदिन इस किले में ताप्ती नदी में स्नान करके इस किले में प्रातः यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फूल चढ़ाता है। और यह एक शोध का विषय है कि प्रतिदिन उस मंदिर में आज भी पुष्पहार या गुलाल चढ़ा हुआ हमेशा मिलता है। असीरगढ़ किले के इतिहास पर नज़र डालें तो असीरगढ़ किले का निर्माण आशा अहिर नामक व्यक्ति ने किया था। आशा अहिर के पास हजारों की संख्या में पशु थे जिसके लिए उसे सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी, इसलिए वह 15वीं शताब्दी में यहाँ आया और ईंट मिट्टी पत्थर चुना आदि की दीवारें बनाकर यहाँ रहने लगा। इस तरह आशा अहिर के नाम पर इस किले का नाम असीरगढ़ हो गया। धीरे धीरे इस किले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। फिरोज शाह तुगलक के एक सिपाही नसीर खां फारूकी की नज़र इस किले पर पड़ी। नसीर खान ने धोखे से अपने सैनिकों को किले में दाखिल करवा दिया और आशा अहिर की हत्या कर दी। कई वर्षों तक इस किले पर फारूकी वंश ने राज किया। फिर इस किले पर मुगल सम्राट अकबर की नज़र पड़ी। खतरे को भांपकर बहादुर शाह फारूकी ने किले को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। अकबर ने किले का 10 वर्ष तक घिराव किया लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगी। फिर अकबर ने संदेशवाहक को भेजकर बहादुर शाह फारूकी को बातचीत के लिए बुलाया और धोखे से उसे बंदी बना लिया। इस प्रकार धोखेबाजी से छीना गया किला धोखेबाजी की भेंट चढ़ गया और 17 जनवरी 1601 को असीरगढ़ पर अकबर ने अधिकार कर लिया। मुगलों के पश्चात सन 1760 से 1819 तक असीरगढ़ पर मराठों का शासन रहा। मराठों के पतन के बाद असीरगढ़ अंग्रेजों ने हथिया लिया जो 1947 से भारत सरकार के अधीन हो गया। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें प्लेनेट ऑसम और बेल आइकॉन को प्रेस करें।